आप उसको डायरी में नोट करके बताइएगा। और ये बात एक टीचर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवे तक पहुंची और मेरे सभी अध्यापकों ने, मेरे सभी गुरुओं ने बहुत सपोर्ट किया। और दोस्त इसका रिजल्ट ये था कि मैं छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, दसवीं में मैं एक्सेलेंट रहा, बहुत अच्छे अंक आए। मैं अगर दुकान पे जाता था तो मैं वेट में रहता था कि लोग चले जाएंगे तब मैं दुकानदार को बताऊंगा, ऐसी हालत थी। तो दोस्त दसवीं करने के बाद में अगर आप गांव से हैं तो एक ही चीज पे हमारा फोकस रहता है, या तो पुलिस में या फिर आर्मी में। तो घर पे बात हुई कि आज से 3 महीने के बाद भर्ती है आर्मी की और आप जाइए उसमें। और मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, सेहत पहले से ही बहुत अच्छी है, स्टेमिना बहुत स्ट्रोंग है पहले से ही, तो मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, और बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा इसके विषय में कि मैं भर्ती में पहुंचा, मैंने फिजिकल किया वहां पे, और फिजिकल करने के बाद में जब मैं डॉक्टरी में पहुंचा तो डॉक्टर ने एक पेज हाथ में दिया कि इसको देख के बोलना है आपको। तो जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट किया, जो दिक्कत थी वो तो थी ही, मैं अटक रहा था। तो जब मैं अटक रहा था तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा कोई चैलेंज है, दिक्कत है तो बैठ जाओ, एक बार 3-4 बार सांस लो और फिर से बताओ। और मैंने फिर से बताना स्टार्ट किया तो फिर भी वही स्थिति थी। तो डॉक्टर ने कहा क्या बात है, डर है कुछ? तो मैंने डॉक्टर को कहा सर डर कुछ भी नहीं है, मेरे को स्टार्टिंग से ही बचपन से दिक्कत है। तो डॉक्टर ने प्यार से बताया कि आप दोबारा कभी भी आर्मी की या फोर्स की भर्ती में नहीं आएंगे। प्यार से बताया कि अगर मैंने आपको पास कर भी दिया तो आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे तो वहां बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं और आपसे कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, फिर वहां से वापस आएंगे आप। तो इससे अच्छा ये है कि आप दोबारा कभी भी आर्मी या फोर्स की भर्ती में ना जाएं, क्योंकि आपको रिजेक्शन के अलावा हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो उसने प्यार से कहा, फिर भी मैं पागल ही था। मैं घर आया 3 महीने के बाद फिर से थी, मैं भर्ती में 3 महीने के बाद फिर से पहुंचा, फिर से एग्जाम हुआ। मैं सोच रहा था शायद वो डॉक्टर चेंज हो जाएगा, दोस्तों कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मैं उसी डॉक्टर के पास फिर से था और डॉक्टर ने मेरे को 1 सेकंड में रिजेक्ट किया, दूर से देखते ही बता दिया। तो मैं बहुत हताश था। मैं घर आया तो मैं बहुत स्ट्रेस में रहा काफी दिन। फिर मम्मी पापा ने काफी सपोर्ट किया, फैमिली मेरी बहुत पॉजिटिव फर्स्ट डे से ही है। अब मैं ये बता दूं, हमारे लोग नेगेटिव थे, हमारी फैमिली बहुत पॉजिटिव फर्स्ट डे से ही है। तो मम्मी पापा ने कहा कोई बात नहीं, आर्मी में भर्ती ना हुए तो क्या दिक्कत है, खेती है हमारे पास। और दोस्त मैंने खेती करना स्टार्ट कर दिया, पापा को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया और साथ में मैंने कॉलेज में एडमिशन किया। मैं +1 में पास हुआ, मैं +2 में भी मैं पास होता अगर माइंड ने मेरे को डायरेक्शन दी होती। माइंड यही बोलता था अगर तूने एजुकेशन कर भी ली तो क्या हो जाएगा, अगर आपने +2 कर भी ली तो क्या हो जाएगा, कहीं जॉब में आप जा ही नहीं पाएंगे। तो माइंड ने वहां से हटा दिया, माइंड ने हटा दिया तो कंपार्टमेंट वहां पे आया और मैंने फिर छोड़ दिया। उसके बीच में मैंने 1-2 जॉब की, बीच में कुछ रिश्तेदार थे उनके साथ में जॉब की। मैं 3 साल पानीपत में रहा, वहां मैंने जॉब की, काफी खट्टे मीठे एक्सपीरियंस रहे जॉब के भी। 3 साल मैंने बगैर पैसे के जॉब की वहां पे, कोई पैसा दिया नहीं उन्होंने। तो फिर मैं घर आया, घर आके फिर मैंने खेती में ही काम स्टार्ट किया क्योंकि खेती हमारे पास काफी अच्छी है। 9 एकड़ जमीन मेरे पापा के पास है, 2 भाई हैं हम। तो जैसे ही मैं खेती कर ही रहा था, एक इंश्योरेंस का काम भी किया बीच में, उसके भी काफी खट्टे मीठे अनुभव रहे। एक दिन मैं खेत में था और एक वाइट रंग की कार आके रुकती है हमारे खेत के पास, और वो जो व्यक्ति थे वो सेम जैसे हमारी ड्रेस कोड है पेंट कोट पहन रखा था, वाइट कार उनके पास थी, चमचमाती हुई कार उनके पास में थी। और वो उतर के आए पानी के लिए, उन्होंने पानी पूछा, मैंने पानी दिया उनको। और पानी दिया तो दोस्त मैंने उनसे पूछ लिया उनकी ड्रेस को, हाव भाव को देख के, कि सर कोई काम अगर आपके पास है तो मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ रहा हूँ, मैं खेती के साथ कुछ न कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो कार में गए और एग्री बीएससी के विषय में बताया
कि अगर आप इसको एक बेचते हैं तो आपको 50 रुपए आते, अगर आप दो बेचते हैं तो 100 आएंगे। और फिर मैंने उनको कहा जी मैं कोई बात नहीं, एक बार मैं डाल के देखता हूँ खेत में, अगर फायदा हुआ तो जरूर मैं इसमें काम करूंगा। और मैंने एक अपने खेत में डाल ली और एक बोतल मैंने बेच दी, तो मेरे जो खेत में थे वहां इतने अच्छे रिजल्ट मेरे को महसूस नहीं हुए, लेकिन जिस व्यक्ति को मैंने दी थी उसके यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो जैसे ही रिजल्ट आए, उत्साहित हम होते ही थे, जोश था ही, ड्रीम बहुत ज्यादा तो नहीं थे लेकिन कुछ ना कुछ मैं करना चाहता था, उत्साहित था मैं। ये तो नहीं था ड्रीम की ओडी आ जाएगी, विदेशों में घूमेंगे, इस चीज का इनके बारे में तो मालूम ही नहीं था। तो जैसे ही मैंने चौहान साहब के पास फोन किया, चौहान साहब आए, एक जीन में छोटी सी CNT मैंने देखी जिसमें 5 लोग हम आए हुए थे और 4 लोग जा चुके थे छोड़ के, मैं अकेला ही था। और मैंने CNT देखो महसूस किया कि इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, और दोस्त मैंने काम करना स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे विकास रेजा जी ने बहुत हमारी सपोर्ट की। विकास रेजा जी बोलते थे हेल्थ पे काम कर लो, मैं अंदर ही अंदर विकास जी को तो नहीं कहा, मैं अंदर 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 ये बोलता था सर हरियाणा में तो दूध घी बहुत है, यहाँ तो हमें हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं। तो मैंने एग्री पे काम किया, तो मेरा पहले महीने का जो पेआउट था फ्रेंड्स 188 रुपए का था। मेरा दूसरे महीने का जो पेआउट था, मेरी ही टीम में मेरे ही गांव के मेरे चाचा जी हैं डॉक्टर मोरारी लाल कौशिक जी, उन्होंने सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन किया, तो मैंने भी सिल्वर मेंटेन किया। मेरा जो पेआउट था वो 23,000 रुपए के आसपास था, और दोस्त मैं बहुत खुश था। मैं आप ये बताइए, जिस इंसान को 1 साल में 1 लाख रुपए की इनकम आती हो और पूरे साल में अगर उसको 23,000 रुपए 1 महीने में आए, तो कैसा कैसी फीलिंग उसकी रही हो। उस टाइम पे बाइक नहीं होती थी, फिर मैंने भाई की सपोर्ट से एक बाइक खरीदी, बाइक खरीदने के बाद फिर हमने और स्पीड से काम किया, और मेरा तीसरे महीने का जो पेआउट था फ्रेंड्स 49,000 रुपए का था, और मैं बहुत खुश था उस टाइम पे, बहुत अद्भुत मैंने फील किया, क्योंकि 3,000 रुपए का हमारा खर्च होता था और इनकम शानदार थी। पर चौथे महीने जो हुआ वो उससे भी अद्भुत हुआ, पेआउट आया 11,000 रुपए का, और पांचवें महीने पेआउट आया 7,100 रुपए का, छठे महीने पेआउट आया 6,100 रुपए का। तो जो विकास जी जो बात बोलते थे वो मेरे को महसूस हुई कि एग्रीकल्चर पे रेगुलर पेआउट नहीं आएगा, इसलिए हमें हेल्थ पे और डेली यूज पे काम करना चाहिए। और विकास जी के की हमारे ऊपर बहुत कृपा रही, बहुत सपोर्ट रही उस टाइम पे। विकास जी आते थे 6-6 दिन, 5-5 दिन, CNT हम रखते थे कभी जींद, कभी हिसार, कभी फतेहाबाद में, पूरे हरियाणा में हमने काम किया। और दोस्त यहाँ पे 800 से 1,000 लोग मेरी टीम में ज्वाइन हो गए अगले 6 महीने के अंदर अंदर। टीम बहुत जबरदस्त थी, लोग काम करना चाहते थे, पर वहां पे मेरे को एक चैलेंज आया जो मैंने पहले शेयर किया कि मेरे को बोलने में दिक्कत है, मैं CNT नहीं रख पाता था, मीटिंग नहीं दे पाता था, मैं मैन टू मैन जाता था। और जब 1,000 लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो जाएं तो 30 दिन आपके पास हैं, तो 30 लोगों के साथ ही आप जा सकते हैं। मैंने कितने लोगों के साथ डेली, मेरी जो पावर थी 20-30 लोगों से मैन टू मैन मैं काम कर सकता था, मैन टू मैन मैंने काम किया है। जहां भी 5 लोग होते मैं उनको बोलता था भाई हम एक एक करके बताएंगे, अगर इनमें से एक भी आदमी नेगेटिव हुआ तो 4 लोग भी खराब हो जाएंगे। जबकि दोस्त उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि अगर मैं बोलता था मैं अटकता था, 5 लोग होते थे तो एक भी हंसता था, वो 4 भी हंसते, तो मेरे को बहुत दर्द होता था उस बात से, तो बहुत पेन होता था। एक बार की कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में श्यामड़ी गांव है, एक बार एक डिस्ट्रीब्यूटर ने फोन किया सर हमारे गांव में आपकी मीटिंग रखवानी है। तो जैसे उसने कहा जी, मैंने कहा जी कोई बात नहीं, पर मेरी ये कंडीशन है 4-5 लोगों से ज्यादा ना हो, आपके गांव के अच्छी क्वालिटी के जो लोग हैं वो छांट लो। पर उसने क्या किया, उसने गांव के मंदिर में स्पीकर में बोल दिया और 250-300 लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। जब 250-300 लोग इकट्ठे हुए और मैं वहां पे पहुंचा, तो मैं ये मान रहा था ये मीटिंग किसी और की है, लेकिन जब वो आदमी उतरा ऊपर से, उसने कहा सर लोग आ चुके हैं आप स्टार्ट कर दीजिए।
मैंने उसको कहा यार 4-5 लोग कहा था ये, तो आपने 250-300 लोग कर दिए इकट्ठे। उसने कहा जी 4 अच्छे या 250, अगर इन इसमें से 50 भी खरीदेंगे तो सर सेल हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि मैं बोलूंगा वो हंसेंगे, और जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ। तो जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ फ्रेंड्स, मैंने बोलना चालू किया। एग्री पे तो प्रैक्टिस हो गई थी, जैसे मैंने हेल्थ पे बोलना चालू किया तो मैं हर चीज में अटक रहा था। काफी लोग पीछे से बोल रहे थे कि ये जो आपने बताया है ये क्या है, वो ये नहीं पूछ रहे थे कि मैं क्या क्या बताया, वो ये पूछ रहे थे ये फिर अटकेगा और फिर हम हंसेंगे। और दोस्त 250 लोगों में से 225-230 लोग मेरे ऊपर उस दिन इतने हंसे होंगे, और मैं उनको बता के पूरा गुस्से में बाइक पे चला सोनीपत के पास से, और मैं जींद पहुंचा मैं, और मैं सर अपने गांव में पहुंच के रास्ते में रोता ही रहा, रोता ही रहा, रोता ही रहा। और मैंने चौहान साहब के पास फोन किया, चौहान साहब ने कहा, मैंने कहा सर मेरी दिक्कत है और ये बिजनेस तो स्टेज का है, कैसे हो पाएगा, मैं बहुत दुखी हूं आज और मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो चौहान साहब ने कहा नहीं कोई बात नहीं, करो आप इसको, और वो उन्होंने फोन काट दिया। फिर डॉक्टर एजा के पास मैंने फोन किया, डॉक्टर एजा के सामने भी मैंने यही बात रखी, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था सर अगर मैं कोई भी छोड़ूंगा या करूंगा तो आपको आपसे जरूर बात करूंगा मैं, ये कमिटमेंट हुई थी 5-7 दिन के बाद जो हमने बैठ के बात की थी। तो जैसे ही मैंने डॉक्टर एजा के पास फोन किया, मैंने उनके सामने भी एक्सक्यूज रखा, सर मेरे को बोलने में दिक्कत है, मैं इस बिजनेस में कैसे कामयाब हो पाऊंगा। उन्होंने बहुत सारी बातें इंस्पायरिंग की, मोटिवेट किया, पर मैंने मैंने कहा सर जब पैर है ही नहीं तो आप दौड़ने के लिए बोल रहे हो, और मैंने फोन काट दिया। फिर मैंने सिद्धार्थ जी के पास फोन किया, और मैं रो ही रहा था, रो ही रहा था। सिद्धार्थ जी बोल रहे थे तू हरियाणा का टाइगर है, तू ये कर देगा वो कर देगा, फोकस कर ड्रीम के ऊपर। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, और फोन ना वो काट रहे थे ना मैं काट रहा था। अंत में जो बात हुई वो ये हुई कि हिसार में एक ट्रेनिंग रखते हैं, और ट्रेनिंग में आपकी सारी टीम ट्रेंड हो जाएगी, तो आपको बहुत ज्यादा मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स मैंने वो ट्रेनिंग मैंने अरेंज की, और जब मैंने ट्रेनिंग अरेंज की तो मैंने 430 टिकटें बेच दी, जबकि सिद्धार्थ जी ने ये कहा था अगर आप 200 लोग बैठा दोगे तो ट्रेनिंग मैं दूंगा, 200 से कम हुए तो आप देंगे ट्रेनिंग, मैं नहीं दे पाऊंगा। और 430 टिकटें सेल हुई उस टाइम पे। मैं 6-7 दिन वहां रहा, और जिस दिन ट्रेनिंग थी फ्रेंड्स उसी दिन जाटों की एक छोटी सी हड़ताल हो गई, सारे पेड़ वेड़ काट दिए गए। सिद्धार्थ जी एक दिन पहले आ चुके थे, और बड़ा बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस रहा। 195 लोग हो पाए, काउंटिंग चालू हुई, मैंने बहुत कोशिश की 200 करने की, लेकिन 200 लोग नहीं हुए। सिद्धार्थ जी ने कहा ट्रेनिंग दो, मैं हाथ जोड़ के खड़ा था सर आप कर दो प्लीज, मेरे को बोलना नहीं आता, मैं कैसे कामयाब हो पाऊंगा सर प्लीज, आपने ही तो कहा था। लेकिन उन्होंने कहा अब छोड़ना है तो छोड़ दो, या तो स्टेज पे जाओ या छोड़ दो। तो दोस्त मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं था, मैंने ड्रीम पूरी दुनिया को बोल दिए थे, मैं ये कर दूंगा, मैं कार खरीदूंगा, मैं ये खरीदूंगा, मैं विदेश में घूमूंगा, मेरा 5 लाख पे आउट रहेगा, पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। अब कैसे मैं पीछे हटता, तो मैं स्टेज पे गया वहां पे, और मैंने बोलना चालू किया, अटक भी रहा था, मैं बोल रहा था। पहली बार मैंने 3.5 घंटे की ट्रेनिंग दी, और उस ट्रेनिंग का रिजल्ट ये था पहली बार 195 में से कोई नहीं हंसा। तो पहली बार मेरे को मालूम हुआ कि जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं लोग आपके बारे में वैसा ही सोचते हैं। मैंने 30 दिन रेगुलर मीटिंग पे मीटिंग मीटिंग पे पूरी टीम में, मैं 30 दिन में से 25 दिन बाहर रहा, मीटिंग मैंने इतनी मीटिंग की मैंने पूरे जबरदस्त, और सारे लोग उससे उत्साहित हुए। मैं अटक भी रहा था लेकिन कोई फर्क ही नहीं था, पूरा फोकस ड्रीम के ऊपर था, ना कोई हंस रहा था, मैं पूरा चार्ज था। और जैसे जैसे मैं काम करता रहा फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे बोलते हैं आपका फोकस जहां होता है वो चीज अचीव हो जाती है, तो मैं आपके सामने मेरी पहली अचीवमेंट आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। मैंने एक कार खरीदी यहाँ पे जो कि बहुत ही जबरदस्त कार थी, गजब की कार हमारे पास थी वो।
आइए मैं आपके सामने उनका एक फोटो शेयर कर देता हूँ। मेरी जो पहली कार थी वो मेरी पहली कार ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। मैंने पहली कार अल्टो कार खरीदी जो जो 2,51,000 रुपए की थी। आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे आप, जो पहली जो कार थी वो 2,52,000 रुपए की मैंने कैश में ली। काफी लोग ये बोलते थे कि फाइनेंस में खरीदोगे तो फाइनेंसर ले जाएंगे उठा के। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पहली पहली बार मैंने एंटर किया था और मैंने जो लोग बोलते थे उनका असर बहुत होता था। उस टाइम पे एक घटना और हुई जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। जैसे ही मैंने ये कार ली, कार के ठीक 3 महीने के बाद वेस्टीज में उस टाइम पे टॉप अर्नर होते थे जिनको 6 लाख रुपए की इनकम आती थी। फ्रेंड्स, उसने वेस्टीज को छोड़ दी और अपनी एमएलएम खोल दी और वो जींद में आए। उन्होंने कहा या तो मेरे साथ ज्वाइन कर लो या मैं आपकी पूरी टीम को जानता हूं, पूरी टीम को मैं तोड़ दूंगा। मैंने सिद्धार्थ जी के पास बात की, डॉक्टर एजा से बात की, तो डॉक्टर एजा ने एक मेरे को बात कही थी जो आज मैं आपको ट्रेनिंग में शेयर करूंगा। और उसका रिजल्ट ये था कि मैंने उसको साफ ना बोल दिया। मैंने कहा सर अब तो अगर आप टॉप अर्नर हैं, बेशक छोड़ दिया, लेकिन मेरे पास जो रास्ता है, मैंने जो महसूस किया है, मेरा जीवन मैं यहीं पे चेंज करके दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स वैसा ही हुआ। मैं आपके सामने मेरी दूसरी कार आपके सामने शेयर करना चाहूंगा जो कि मैंने दूसरी कार यहां से कुछ ही टाइम के बाद अचीव की। और ये आपकी स्क्रीन के आगे मेरी दूसरी कार है फ्रेंड्स। मैंने ठीक 2.5 साल के बाद यहां से ये दूसरी कार खरीदी। और जैसे ही मेरी दूसरी कार मैंने खरीदी उससे मैं और ज्यादा एक्साइटेड हुआ और मैंने एक और ड्रीम रख दिया फिर से। जैसे ही मैंने ड्रीम रख दिया, मेरी तीसरी जो कार थी आज से 5 साल पहले मैंने डस्टर कार खरीदी यहां से, जो आपके सामने मैं एक शेयर कर देता हूं उसको भी। ये मेरी फ्रेंड तीसरी कार थी। अब ये जो गाड़ियां आती रही ये क्यों आती रही, इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे वजह ये थी, पहले साल मैंने काम किया कि मेरे को बोलने में दिक्कत है। पहले साल का मतलब है अक्टूबर में मैं ज्वाइन हुआ था और अप्रैल तक मेरी टोटल जो इनकम हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 1,75,000 रुपए। 6 महीने के बाद मेरा माइंड सेट टूटा कि ये बोलने की कोई दिक्कत नहीं है, ये तो तू वैसे सोच रहा है। और जब ये माइंड सेट टूटा, मेरे दूसरे साल की जो इनकम थी फ्रेंड्स वो थी 7,49,000 रुपए। और फ्रेंड्स मेरे तीसरे साल की जो इनकम थी वो थी 21,34,000 रुपए। और दोस्त आज तक मेरे को टोटल इनकम वेस्टीज से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मेरे को टोटल इनकम आ चुकी है आज तक। अगर मैं वेस्टीज के टूर की आपसे बात करना चाहूं तो फ्रेंड्स मैंने 15 देशों के टूर किए हैं। आपके सामने मैं कुछ टूर के फोटो भी दिखाता हूं मैं आपको, जिससे आपको और कुछ इसके ऊपर क्लियरिटी हो जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे पहले टूर का फोटो, स्टार क्रूज का फोटो, जो पहला टूर हमारा होता है जिसमें हम अभी आज से 1 साल पहले हस्बैंड वाइफ दोबारा से भी जाके आए। दोबारा से हम वहां पे पहुंचे, फिर से दोबारा से हम गए स्टार क्रूज के ऊपर। ये मेरे साथ में मेरे ही टीम में कुलीग हैं मिस्टर धनेश कुमार शास्त्री जी, जो गवर्नमेंट जॉब के साथ 1,00,000 रुपए पे होते हुए भी आज वेस्टीज में काम कर रहे हैं। और आज इनकी इनकम जो है 80,000 रुपए से ज्यादा है, रेगुलर ग्रोइंग इनकम है रेगुलर। और जॉब के साथ बहुत बार 1 महीने में कम से कम मुश्किल से 5 से 6 दिन ही काम कर पाते हैं। और आज धनेश शास्त्री जी भी काफी देश घूम के आ चुके हैं। तो दोस्त इस टाइप से मैंने 15 देशों के टूर किए। मेरे पास बहुत सारे फोटो हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ, पर मैं कुछ ऐसी चीजें भी आपके सामने शेयर करना चाहूंगा जो मेरे सामने चैलेंज आए। 2.5 साल के बाद एक टीम को छोड़ के मेरी 3 टीम एक दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग में चली गई। अब मेरे को 2.5 साल में मालूम हो चुका था कि कैसे बिल्ड किया जाए।
और मैंने फिर से मेहनत करके अपने नेटवर्क को मैंने फिर से बिल्ड किया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ जहां 21 लाख रुपए साल की इनकम थी वो पहुंच गई 28 लाख रुपए साल की इनकम। और उसके बाद मैंने बहुत अपडेट किया अपने आप को, मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने माइंडसेट स्ट्रोंग किया अपना, मैंने स्किल पे काम किया, मैंने कॉलिंग हैबिट पे काम किया, मैंने इनविटेशन पे काम किया, मैंने छोटी छोटी ट्रेनिंग वर्कशॉप रखना स्टार्ट किया। हमारे जितने ट्रेनर हैं, आशुतोष जी हैं, कुणाल जी हैं, विकास जी हैं, सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, सोनू श्रीवास्तव जी हैं, जितने भी लोग हमारे ट्रेनिंग में हैं, कोई भी ट्रेनिंग ये रखते रहे, हमेशा मैं ट्रेनिंग में होता था। बहुत से जीवन में चैलेंज भी आए, कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं इसको छोड़ दूं, जैसे उस टाइम पे वो मीटिंग के टाइम पे भी हुआ ऐसा, एक बार तीन टीमें छोड़ के चली गई तब भी ऐसा ही महसूस हुआ एक बार कि मैं इसको छोड़ दूं, पर मैं दूसरे माइंडसेट से ये मानता था कि मेरी फिलोसफी क्या है, मैंने फिलोसफी क्या तैयार की है अपने जीवन के बारे में, क्योंकि अब तक जो मैं जिया वो मैं जिया बगैर फिलोसफी के, मेरी कोई सोच थी नहीं, मेरा कोई ड्रीम गोल था ही नहीं। पर अब मैं वेस्टीज में आके मेरे को मालूम हो चुका था कि अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं, मेरे को ये मालूम हो गया था कि जीवन बेहतर और बेहतर कैसे किया जा सकता, पॉजिटिव सोच क्यों रखनी है, अपने अपलाइन की बात क्यों माननी है, ये दोस्त मेरे को मालूम हो गया था, मेरे को मालूम था इस बात के विषय में। अंत में जो मैंने मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। आज से ठीक 2 साल पहले मैंने वेस्टीज से मेरी 39,65,000 रुपए की वो कार खरीदी जो मैंने वेस्टीज से पहले कभी जिंदगी में सोच नहीं रखी थी। मेरी सोच अल्टो तक ही थी, मैं चाहता था कि मेरे पास एक कार हो, पर ये मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी गाड़ी भी हमारे पास आ सकती है, इतनी बड़ी कार भी हमारे पास में आ सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बोलना चाहूंगा, ये बिजनेस हमें कुछ भी दे सकता है, कुछ भी इसके साथ काम किया जा सकता है, आपका जीवन कितना बेहतर हो सकता है मैं महसूस कर रहा हूं। जितने लोग मेरे को देख रहे हैं, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, आज आज आपका जीवन बहुत बहुत बेहतर हो जाएगा, आज आपको मालूम हो जाएगा कि जीवन में जिया क्यों जाए, क्यों जिया जाए। तो आइए अब मैं आपके साथ में आज की ट्रेनिंग के ऊपर बात करना चाहूंगा आपसे। आज की हमारी जो ट्रेनिंग है, एक बार मैं चाहूंगा यस में कुछ लोग लिख के दे कि कौन कौन लोग हैं जो आज अपने जीवन को चेंज करना चाहते हैं। चैट बॉक्स में आइए और यस कीजिए, ताकि मेरे को मालूम हो, मेरे को हौसला हो इस बात का कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये कमिटमेंट फिर से बोल रहा हूं, आज आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं कुछ ऐसी चीजें 30 डेज से मैंने सीखा है कुछ, जो आपके सामने कुछ पार्ट में शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जिन्होंने रिस्पांस दिया, वो जीवन बदलना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम ट्रेनिंग के ऊपर आते हैं, ट्रेनिंग के ऊपर हम बात करना चाहेंगे। डायरी में सबसे पहला स्टेप नोट कीजिए, फिलोसफी। फिलोसफी क्या होती है, फिलोसफी के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। हम में से ज्यादातर लोग महात्मा गांधी जी को जानते हैं, ज्यादातर लोग भगत सिंह जी को जानते हैं, बहुत सारे लोग उन सभी लोगों को जानते हैं जिन्होंने एक फिलोसफी के ऊपर काम किया। अंग्रेजों ने बहुत बहकाने की कोशिश की महात्मा गांधी जी को, लेकिन एक फिलोसफी थी कि मैं अपने देश को आजाद करवा के रहूंगा। और महात्मा गांधी ने सारे प्रॉफिट को देखते हुए सारे प्रॉफिट छोड़ दिए, और अपनी एक फिलोसफी की वजह से महात्मा गांधी आज पूरे वर्ल्ड में वो एक ऐसी सोल हो गए जिनको सदियों तक पूजा जाएगा और याद किया जाएगा। फ्रेंड्स, एक फिलोसफी की वजह से वो हुए। दूसरे व्यक्ति के विषय में बात करना चाहूंगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। एक फिलोसफी की वजह से अब्दुल कलाम जी, एक फिलोसफी की वजह से जब उनसे पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मैं अपने देश के विषय में सोच रहा था, मेरे पास शादी के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं था।
अब्दुल कलाम जी ने कहा कि मैं अपने देश को वर्ल्ड में उस ऊंचाई पे देखना चाहता हूं जहां पे टॉप 10 में हमारे देश का नाम आए। मैं अपने देश के युवाओं के माइंडसेट को तोड़ना चाहता हूं कि हमारे देश में भी बेस्ट साइंटिस्ट बना जा सकता है। अब्दुल कलाम जी के पास भी बहुत देश थे जो आए होंगे पैसे देने के लिए कि आप हमारे देश के लिए काम कर लो, लेकिन अब्दुल कलाम जी की फिलोसफी थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए काम करूंगा। और फ्रेंड्स, आज हमारे पास बहुत सारी न्यूक्लियर पावर या बहुत सारी ऐसी पावर हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड जो अब्दुल कलाम जी की वजह से हैं, उनकी फिलोसफी की वजह से ही वो हमारे देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। एक आम गरीब होते हुए एक फिलोसफी की वजह से वो वहां तक पहुंचे। इसके बाद तीसरा उदाहरण आपके सामने बोलना चाहूंगा मैं, तीसरा उदाहरण है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक आम फैमिली से होते हुए एक फिलोसफी की वजह से, कोई सोर्स था ही नहीं, कोई रास्ता था ही नहीं, एक फिलोसफी की वजह से फ्रेंड्स रास्ते बनते गए, और रास्ते बनते गए आज इंडिया के प्रधानमंत्री और पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 पावरफुल लोगों में आते हैं फ्रेंड्स, एक फिलोसफी की वजह से। मेरी अपनी फिलोसफी है जो आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। मैं अपना पूरा जीवन हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री को देता हूं। मैं ऐसे वो काम सारे करूंगा जिससे हेल्थ और वेल्थ इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो। अगर कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति आके बोलता है कि आप वाइन की फैक्ट्री डाल लो, कोका कोला की फैक्ट्री डाल लो, फ्रेंड्स मैं कभी भी उस ऐसे बिजनेस में नहीं जाऊंगा जहां हमारे देश में हेल्थ और वेल्थ ना हो, जबकि उससे पैसा तो आएगा। रामदेव जी की फिलोसफी थी, वो आयुर्वेद के ऊपर काम करना चाहते थे, उन्होंने आयुर्वेद पे काम किया। आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री होते हुए भी एलोपैथी की दवाई की फैक्ट्री नहीं डाली। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स फिलोसफी। आइए हम एक और ग्रेट इंसान के विषय में बात करते हैं, हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली जी, जिनकी फिलोसफी है कि मैं पूरे वर्ल्ड में हेल्थ और वेलनेस लाना चाहता हूं। अगर वो चाहे तो बहुत सारे उत्पाद लाए जा सकते हैं जिनकी सेल भी हो सकती है, पर वो हेल्थ और वेलनेस में सपोर्ट नहीं करते फ्रेंड्स। वही चीजें वेस्टिज में आई जो हेल्थ और वेलनेस के ऊपर काम करेंगी। तो फिलोसफी, मेरी अपनी फिलोसफी है फ्रेंड्स कि मैं 10 करोड़ लोगों तक हेल्थ और वेलनेस को लेकर के जाऊंगा पूरे विश्व में। उसके लिए मेरे को कुछ भी आदत चेंज करनी होगी, हैबिट चेंज करनी होगी, मैं करूंगा फ्रेंड्स। इंग्लिश नहीं आती थी, मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा हूं, 30 डेज हो गए, 30 दिन हो गए हैं आज। तो हमारी फिलोसफी की वजह से हमें क्या फायदे होते हैं। अगर आपकी फिलोसफी नहीं है तो हम दुनिया की फिलोसफी से चलना चालू हो जाएंगे। अगर आपकी अपनी कोई फिलोसफी नहीं है तो आप चलेंगे जो न्यूज देखते हैं, जो टीवी पे देखते हैं, जो फिल्मों में देखते हैं, जो आपके आसपास लोग बोलते हैं, आप उनकी फिलोसफी पे चलना चालू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज से फिलोसफी बनाइए कि हमारी फिलोसफी क्या होगी। दूसरा काम है, फिलोसफी आपके लिए काम करती है जीपीएस का। जैसे जीपीएस, अगर आपको यहां से दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली से जयपुर पहुंचना है, तो आपने जीपीएस डाल लिया, आप रास्ते में नहीं रुकेंगे फ्रेंड्स बिल्कुल भी। आप हर हाल में दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे या जींद से दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि आपके पास जीपीएस है, आपको पहुंचना वहां पे है। एक बहुत जबरदस्त उदाहरण आपके सामने मैं यहां पे रख रहा हूं। एक व्यक्ति था, उसको हार्ट अटैक हुआ और उसका बेटा उसको लेके पहुंचा हॉस्पिटल में। जैसे ही उसका बेटा हॉस्पिटल में लेके पहुंचा, डॉक्टर ने कहा अगर 1 घंटे में ऑपरेशन ना हुआ तो आपके पापा जी की डेथ हो जाएगी। और एक पेज के ऊपर डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख के दी और कहा केमिस्ट शॉप पे जाइए और ये जल्दी से जल्दी लेके आइए, बिल्कुल पास में ही है। तो उसका बेटा हॉस्पिटल से बाहर आता है और केमिस्ट की शॉप पे जो जा ही रहा था, रास्ते में उसने एक झगड़ा होता हुआ देखा फ्रेंड्स। उसने वो झगड़ा होता हुआ देखा, लेकिन वो थोड़ा सा तनिक भी नहीं रुका उस झगड़े के ऊपर।
वो जल्दी से केमिस्ट शॉप पे पहुंचा और केमिस्ट शॉप पे पहुंच के फटाफट दवाई लेके आया और अपने पापा जी के लिए डॉक्टर को दी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूंगा, फिलोसफी की वजह से आपके जीवन में सिर्फ कामयाबी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आपके रास्ते में बहुत सारी घटनाएं होंगी, आपका किसी भी चीज पे फोकस नहीं होगा, आपका 100% फोकस होगा आपकी ग्रोथ के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपकी टीम के ऊपर, आपके ड्रीम के ऊपर, आपके विश्वासों के ऊपर, आपकी हैबिट के ऊपर 100% फोकस आपका होगा सिर्फ जिन चीजों से आप ग्रोथ करेंगे फ्रेंड्स। और फिलोसफी हमें और क्या क्या हमें काम देती है, क्या क्या हमें फायदा होता है, आइए उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। या तो आपकी अपनी फिलोसफी हो या आप चलेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो फिलोसफी पहले से फीड है, जो चीजें आपने डाल रखी है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, अगर आप कहीं पे आपके पास जमीन है या तो उसमें आप गार्डनिंग कर दें, फ्लावरिंग कर दें, या कुछ भी ना करें तो घास फूस उगना चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जीवन में जितने कामयाब लोग हुए, रतन टाटा जी को देख लो, मिस्टर गौतम बाली जी को देख लो, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, जितने भी पूरे देश में लोग हैं उनकी एक फिलोसफी है। कोई काम कर रहा है हेल्थ पे, कोई वेलनेस पे, कोई कम्युनिकेशन पे, कोई टेलीकॉम पे, कोई पेट्रोलिंग पे, कोई कर रहा है कपड़े के अंदर, कोई कर रहा है जूतों के अंदर। अगर एक ही चीज को लेके चला जाए तभी आप इतिहास रचेंगे, तभी आपका नाम आएगा ऊपर। इसके बाद मैं एक और फिलोसफी आपके सामने रखना चाहूंगा। आज से 6 साल पहले विकास जी से बात हुई थी, विकास जी को आज भी याद होगा, मैंने विकास जी को कहा था, सर विकास जी अगर ये 2 टीम होती तो बिजनेस और ज्यादा हो सकता था वेस्टीज में। विकास जी को याद है, विकास जी ने कहा था सर ये आपका माइंड थॉट है। विकास जी ने मेरे को एक उदाहरण दिया था गजब का, जो आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। विकास जी ने कहा था अगर आपके घर में एक बच्चा है तो आप काम करेंगे एक बच्चे के हिसाब से, अगर आपके 12 बच्चे होंगे तो आप कितना गजब की सेहत को फिट रखेंगे, कितनी एजुकेशन लेंगे, आपके बच्चों की अलग अलग आदतें होंगी, उनको चेंज करने के लिए आप मेहनत करेंगे, हमेशा एक्टिव रहेंगे, चार्ज रहेंगे। और मैंने उसी दिन ठाना था कि वेस्टीज में 6 टीम है ना, मैं वेस्टीज में 1000 टीम खोल के दिखाऊंगा 2030 तक। तो मेरी एक फिलोसफी है, हर 6 महीने में मैं 6 से 8 टीमें खोल देता हूं। आज मेरे पास एक्टिव टीम है 11 और मैंने टोटल 52 टीमें खोल रखी। हर 6 महीने में मैं खोलता हूं, हर 6 महीने में। तो मेरी एक फिलोसफी ये भी है, मेरी एक फिलोसफी है कि मैं 100+ ईयर जीऊंगा और मैं कभी जीवन में रिटायर नहीं हो पाऊंगा। और इस फिलोसफी के लिए छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको करवाना चाहूंगा। फ्रेंड्स एक बार सारे लोग आंखें बंद कर लें अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इस बात को। आंखें बंद कर लीजिए, 3 बार सांस लें और छोड़िए, महसूस करके देखिए आज से 5 साल के बाद आपका वेस्टेज में पे आउट क्या होगा, कौन सी कार आपके पास में होगी आज से 5 साल के बाद, 5 साल के बाद आपकी टीम में कितने लोग होंगे, 5 साल के बाद आपकी टीम में कितने कार अचीवर होंगे। फ्रेंड्स आंखें बंद करके देखिए एक बार, 5 साल के बाद जब आप टूर पे जाएंगे तो आपकी एंटायर फैमिली आपके साथ में होगी, 5 साल के बाद आप 2000 5000 लोगों के सेमिनार फ्रेंड्स दे रहे होंगे, 5 साल के बाद आपका पे आउट 5 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में आपका पे आउट रहेगा। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, 10 साल के बाद आपका जीवन क्या होगा वेस्टीज में, 10 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद 2030 में आपकी टीम में फ्रेंड्स कम से कम 20 लोग 1-1 करोड़ कमाने वाले होंगे 20 साल के बाद। आपके बच्चे जवान हो चुके होंगे, आपके बच्चे जवान हो चुके होंगे, आपके बच्चों के पास ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगवार, वोल्वो, फरारी जैसी गाड़ियां होंगी और आपके पास चोपर होगा। आज से 30 साल के बाद, 30 साल के बाद आपके पीछे, आपके हेलीकॉप्टर के पीछे 10 चोपर और खड़े होंगे, 20 चोपर और खड़े होंगे, 1-1 लाख लोगों के सेमिनार आप दे रहे होंगे, 1 लाख लोग आपको सुनने के लिए आएंगे। फ्रेंड्स
मैंने 100 साल तक के टारगेट रख दिए हैं फ्रेंड्स, अभी 30 दिन में। मैं बोलता हूँ लॉकडाउन ने मेरे जीवन को चेंज कर दिया है फ्रेंड्स, और आपका जीवन भी चेंज होएगा आज जो चीज मैं रख रहा हूँ आपके आगे। देखिए 30 साल के बाद, देखिए 40 साल के बाद आपका जीवन क्या होगा। 40 साल के बाद आपका पे आउट फ्रेंड 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ रुपए 1 महीने का होगा। हमारे देश में आपके घर में शादी होगी, पूरे इंडिया के लोग वहां पे आएंगे पार्टी में। कैसा महसूस होएगा फ्रेंड्स, एक बार महसूस करके देखिए। यही है फिलोसफी। आज से 5 साल आगे की चीज को देखना, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल आगे की बात को देखना, यही फ्रेंड्स है फिलोसफी। और अगर आपकी फिलोसफी आज आपने तय कर ली फ्रेंड्स, आप इधर उधर झांकना बंद कर देंगे फ्रेंड्स, आप कोई दूसरी चीज को देखेंगे नहीं, हमेशा के लिए फोकस्ड हो जाएंगे। अगर आपकी फिलोसफी है कि मैं जिस काम को करता हूं उसको अंजाम तक पहुंचाता हूं फ्रेंड्स, तो आपको कामयाबी से कोई ताकत नहीं रोक, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी आपको कामयाबी से फ्रेंड्स। आंखें खोलिए, कैसा महसूस हुआ चैट बॉक्स में डालिए, ताकि मेरा और उत्साह हो जाए और चीजें मैं आपके सामने रखूं। और मेरा उत्साह हो जाए चैट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं और हौसले में होके और ज्यादा कुछ आपको बता पाऊं फ्रेंड्स, जिससे आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आई लव यू सर, थैंक यू सो मच। गजब सर, गजब। आइए थोड़ा सा और आगे चलना चाहेंगे। अब मैं जो बात आपसे करना चाहूंगा फ्रेंड्स, पेन और गेन की। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। थैंक यू सो मच, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब महसूस करके देखिए, दो चीज आपके सामने मैं रख रहा हूँ, पेन और गेन। आपको क्या चाहिए चैट बॉक्स में डालिए, पेन चाहिए तो पेन, गेन चाहिए तो गेन। आपको क्या चाहिए बताइए, लिख के भेजिए। पेन, आपको पेन चाहिए या गेन? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग पेन, गेन, बोथ, कुछ लोग दोनों बोल रहे हैं, गेन बोल रहे हैं, गेन बोल रहे हैं, गेन बोल रहे हैं, ज्यादातर ने लिखा गेन। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, मेरा जो वेट था 128 kg वेट था, अगर मैं गेन गेन ही करूंगा तो ये गेन ही होता रहेगा फ्रेंड्स, कभी भी बगैर पेन के गेन नहीं हो सकता। मैं रेगुलर 20 किलोमीटर की एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं धीमे धीमे से दौड़ना चालू मैंने किया है, तो मैंने 8 से 10 किलो वेट लूज किया है फ्रेंड्स। सबसे पहले जीवन में चाहिए पेन और फिर गेन, तो आपको बोलना चाहिए बोथ, दोनों, पेन भी चाहिए और गेन भी। जब आप फील्ड में जाएंगे तो पेन होगा, लेकिन जब आप फील्ड में रेगुलर जाएंगे तो वहां से आप एक एक टीम से आपको 10-10 लाख रुपए की इनकम भी आएगी, तो गेन होगा। कोई भी जब आप पहली बार स्टेज पे आएंगे तो पेन होगा, लेकिन जब स्टेज पे रेगुलर आते रहेंगे तो गेन होना चालू हो जाएगा फ्रेंड्स। आज आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश सीखेंगे तो फ्रेंड्स पेन होगा, पर जब इंग्लिश सीख जाएंगे, जब आपके साथ लोग फोटो उतारेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, ट्रेनिंग देंगे फ्रेंड्स, तो तब आपको जो गेन होगा, लोग आपको चाहेंगे पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका, जर्मनी, जापान, पूरे वर्ल्ड में फ्रेंड्स आपका बिजनेस होगा, गेन तब होगा। तो पहले पेन और फिर गेन, बोथ चाहिए, दोनों चाहिए फ्रेंड्स। आज से खोपड़ी में डाल दो, बगैर पेन के कुछ हासिल नहीं हो सकता। माँ को 9 महीने दर्द होता है, और जब बच्चा होता है तो माँ को जो गेन होता है ना फ्रेंड्स, हम में से कोई महसूस नहीं कर सकता इस बात को। तो हमें गेन होगा हर हाल में। फिलोसफी के और क्या फायदे हैं आइए, बहुत लोग हैं जो बगैर फिलोसफी के भागते ही जा रहे हैं। एक कंपनी, दो कंपनी, फिर वो छोड़ दी 6 महीने, दूसरी कंपनी, फिर वो कर ली चौथी, किसी ने बोल दिया ये अच्छी है, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं, 10, हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कितने दिन भागेंगे फ्रेंड्स? अगर महात्मा गांधी जी भागते रहते तो आज हम आजाद नहीं होते। अगर अब्दुल कलाम जी आज इंडिया, कल अमेरिका, फिर जर्मनी जाते रहते तो आज हमारे पास फ्रेंड्स न्यूक्लियर पावर नहीं होती। अगर आपको लोग दिल से चाहें और माइंड से चाहें और आपकी जीवनी को लोग याद रखें फ्रेंड्स, तो एक फिलोसफी के ऊपर फ्रेंड्स हमें काम करना होगा, एक फिलोसफी। और वो फिलोसफी है
जनरेशन प्लान। आज से कमिटमेंट कीजिए कि मैं जनरेशन प्लान में झंडे गाड़ के दिखाऊंगा। दोस्तों चैलेंज महात्मा गांधी के सामने भी थे, महात्मा गांधी जी की भी बहुत बार बेइज्जती हुई, पर महात्मा जी को यह मालूम हो गया था पहले पेन और फिर गेन। हजारों लोगों को उन्होंने कहा कि मेरे साथ आओ, मैं आजादी दूंगा, मैं ऐसे प्यार से आजादी दिलवाऊंगा। कुछ लोग आए कुछ लोग गए, छोड़ के ये होता रहेगा, पर अगर आपकी फिलोसफी है, आप एक फिलोसफी पे रहेंगे फ्रेंड्स, तो आपकी फिलोसफी के लोग आपको मिलना चालू हो जाएंगे। और एक फिलोसफी तैयार करके फ्रेंड्स काम कीजिए, कुछ ही टाइम में आप पाएंगे पूरी आर्मी आपकी फिलोसफी की खड़ी हो जाएगी। फिलोसफी की वजह से हम बदलाव आएगा हमारे अंदर, बहुत सारी बातों का, किताबें पढ़ने का, एक्सरसाइज का। जिस दिन से मैंने फिलोसफी तैयार की मैं 100 साल जीऊंगा फ्रेंड्स, मैं 3:30 बजे खड़ा हो जाता हूँ। जो लोग मेडिटेशन में हैं, बहुत लोग हैं, किसी से पूछ लो, हमारा मेडिटेशन सेशन 4:30 बजे स्टार्ट होता है। 150 लोग 7 दिन से 4:30 बजे पहुंचते, एक भी अब्सेंट नहीं हुआ आज तक। इसके पीछे वजह है कि मैंने अपनी फिलोसफी उनके माइंड में डाली कि मैं ये चाहता हूं, और अगर आप भी चाहते हैं तो हमें 4:30 बजे उठना होगा। और उसका रिजल्ट है फ्रेंड्स, मेरी फिलोसफी के लोग मेरे साथ 150 आ चुके हैं पूरी टीम में से, और मेरा टारगेट है अगले 3 महीने में ये 1000 लोग हो जाएंगे जो 4:30 बजे उठेंगे। और हम इस सेशन को रेगुलर चालू रखेंगे। अगर हमने लाइफ के लिए कुछ बड़ा नहीं सोचा तो छोटी छोटी परेशानियों में ही दम तोड़ देंगे हम, छोटी छोटी परेशानियों से ही। बिहार के उस व्यक्ति को आप जानते जिन्होंने पहाड़ तोड़ दिया, पहाड़ को काट दिया उस व्यक्ति को, उसके सामने भी चैलेंज थे, फिर उसकी फिलोसफी थी कि मैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, फिलोसफी ने काम किया फ्रेंड्स। अरुणिमा सिन्हा की फिलोसफी थी कि मैं माउंट एवरेस्ट पे पहुंचूंगी, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स जो आज तक किसी ने ना किया हो। दोनों पैर ही नहीं थे, ना पैसे थे जेब में, ना कोचिंग के लिए पैसे थे, एक फिलोसफी की वजह से वो पहुंची वहां पे और झंडा गाड़ के वापस आई फ्रेंड्स। दोनों पैर थे नहीं, दोनों पैर ना होते हुए भी इतिहास रच दिया फ्रेंड्स। आज कितने लोग बता दूं, रामदेव जी के पास में आज से 20 साल पहले क्या था, कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स, एक फिलोसफी की वजह से आज पूरे वर्ल्ड पे हेल्थ इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा योगदान है आयुर्वेद के अंदर। तो आपका क्या योगदान है हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे देश में, आपने क्या योगदान किया फ्रेंड्स? ये तभी योगदान होएगा जब हमारी फिलोसफी होगी, और जब हमारी फिलोसफी होगी तो हमारे पास और बहुत सारे फायदे होंगे। अगर आप अपने जीवन को चेंज करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको अपनी फिलोसफी पे काम करना होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स, हम फिलोसफी आपके लिए जीपीएस है जो आपको रास्ते में रुकने नहीं देगी फ्रेंड्स, ये आपको मंजिल पर पहुंचाएगी हर हाल में, हर हाल में। जब हम फिलोसफी के साथ होते हैं तो हर चीज की जिम्मेवारी उठाते हैं हम। बोलने में दिक्कत थी, मैंने जिस दिन से फिलोसफी मैंने पाई है, मैं देख रहा हूं मेरे अंदर कितनी इंप्रूवमेंट है, एनर्जी में कितनी इंप्रूवमेंट है। मैंने 5,000 करोड़ का टारगेट रखा है कि 2030 में मेरी एंटायर टीम से 5,000 करोड़ का टारगेट होगा ही होगा, हर हाल में होगा। तो जिस दिन से मेरे अंदर ये फिलोसफी आई है, माइंड मेरे को 3:30 बजे उठा देता है फ्रेंड्स। और ये फिलोसफी ना होती तो मेरे को दाएं बाएं की चीजें दिखना चालू हो जाती। अगर आपका भी ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर, 1,00,000 लोगों का टारगेट अगर नहीं है, तो दोस्त मैं आपको बोलना चाहूंगा इस टारगेट को रखिए, गॉड बिल्कुल रेडी है, अल्लाह वाहेगुरु जो भी जिसको मानते वो तैयार है हमें देने के लिए, पर एक बार मांगे तो हमें उससे मांगना है। उसके सामने बहुत सारी चीजें रखनी है। जब आप जिम्मेवार होते हैं तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते, आप हर टाइम पे फोकस रहते हैं, आप एक फुलफिल्ड लाइफ जीते हैं फ्रेंड्स। फुलफिल क्या होता है बता दूं आपको, अभी कुछ ही टाइम पहले कैफे डे के मालिक ने सुसाइड की है,
आप गूगल पे जाके देखेगा फ्रेंड्स, उसके पास पैसे की दिक्कत नहीं है। वो उन्होंने पैसे की वजह से नहीं की, उन्होंने वो रिलेशनों की वजह से की, इंटरनल फैमिली में कुछ चैलेंज थे उनकी वजह से की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके एक फिलोसफी हो जाए फ्रेंड्स, तो आप पैसे भी आएंगे और आप अध्यात्म से भी जुड़ेंगे, स्पिरिचुअली भी आप स्ट्रोंग होते हैं, इमोशनली स्ट्रोंग होते हैं फ्रेंड्स आप। अगर वो व्यक्ति इमोशनली स्ट्रोंग होता तो वो ये काम नहीं करता। तो पैसा फ्रेंड्स कामयाबी नहीं है। कितनी एक्ट्रेस है जिनके पास बहुत पैसा होता था फिर भी वो दुनिया को छोड़ के चली गई बीच में। क्यों? क्योंकि वो हमें खुश हमें दिखती थी लेकिन अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। तो जब आप एक फिलोसफी के साथ होते हैं फ्रेंड्स, और फिलोसफी उन्हीं लोगों की नहीं होती, फिलोसफी एक आम व्यक्ति की भी हो सकती है। एमपी में आज भी याद है, इंदौर रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति है जिनकी चाय की दुकान है, उन्होंने चाय की दुकान के आगे एक बोर्ड लगा रखा है कि मैं लोगों में चाय से खुशियां बांटता हूं और मैं 100 साल तक खुशियां बांटता रहूंगा। अब ये फिलोसफी उनको टाइम पे उठाती है और दुकान पे लेकर के जाती है। जब वो चाय बनाते हैं इस सोच के साथ वो चाय देते हैं कि मेरी चाय को पी करके कोई भी आदमी है वो खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, और उसकी ओर वो खुशी से मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। जब वो हंसते हैं तो लोग भी हंसते हैं। तो एक आम व्यक्ति खुशियां बांट रहा है। फिलोसफी की वजह से आप चार्ज रहते हैं, फिलोसफी की वजह से आप में चेंजिंग होते हैं, फिलोसफी की वजह से आप जिम्मेवार होते हैं फ्रेंड्स, और फिलोसफी आपको आपके टारगेट के ऊपर फोकस रखेगी। अगर आपके साथ में फिलोसफी है, कभी भी आपके जीवन में स्ट्रेस नहीं आएगा, फुलफिल लाइफ आप जिएंगे, फुलफिल। मैं आपको बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, पिछले 2 साल से मैं फुलफिल लाइफ जी रहा हूं। पैसा उसके पीछे नहीं है। मैंने कुछ ऐसी चीजें ढूंढी जिससे मेरे अंदर पीस भी आए, शांति भी आए, रेगुलर खुशी रहे। दोस्त, ये जीवन में घटनाएं होती रहेंगी, जीवन में अप डाउन आएंगे, हर इंसान के जीवन में आए हैं। आज पावरफुल से पावरफुल देश ने भी घुटने टेक रखे हैं कोरोना के सामने। अब यहाँ पे 2 माइंडसेट हैं। माइंडसेट क्या है? पहला माइंडसेट है कि आप लोगों को दोष देते रहे, उस गॉड को, भगवान को दोष देते रहे। दूसरा, मेरी सोच यहाँ पे काम किया, मेरी सोच ने, मैंने फ्रेंड्स 1-2 कोर्स खरीदा, मैंने उसको स्टडी किया, मैंने कुछ टीम के लिए कोर्स तैयार किए, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर काम किया, मैंने मेडिटेशन पे काम किया, मैं रेगुलर 20 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, 8 से 10 किलो वेट मैंने कम किया। अगर ये कोरोना 2 महीने रह जाता है फ्रेंड्स, तो मेरा 20 किलो वेट कम हो चुका होगा। अगर ये कोरोना 2 महीने रह जाता है फ्रेंड्स, मेरी टीम के कम से कम 30% लोग हैं जो डुप्लीकेट हो चुके होंगे। मैं रोज 2 घंटे की ट्रेनिंग देता हूं ओनली डुप्लीकेशन के ऊपर, ताकि सारे लोग डुप्लीकेट हो जाएं। तब तक मैं तैयारी कर रहा हूं डुप्लीकेशन की। अभी एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है फ्रेंड्स, जूम एप्स। जूम ऐप पिछले 1 महीने में 18 करोड़ लोग हैं जो जूम ऐप के ऊपर आए। अगर जूम ऐप के MD मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर तैयार ना किया होता तो जूम ऐप फ्रेंड्स हैंग हो चुकी होती। 18 करोड़ लोग इसको नहीं खरीद पाते फ्रेंड्स। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, अभी काम कीजिए टीम के डुप्लीकेशन के ऊपर। जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा फ्रेंड्स, एकदम से 12 करोड़ लोगों की नौकरियां जाएंगी। वो जाएंगे कहां पे? वो MLM में आएंगे, और MLM में कहां जाएंगे? इंडिया की नंबर 1 मल्टी लेवल मार्केटिंग है फ्रेंड्स, और वर्ल्ड में हम 30 नंबर पे आ चुके हैं। जब लोग ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कहां पे? बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया, तो सामने वेस्टीज का नाम आएगा। अगर आपने 3,000, 2,000, 500, आपने 50 लोगों को भी डुप्लीकेट कर दिया है, तो आपका जाल बहुत बड़ा हो चुका है फ्रेंड्स, और आपके जाल में हजारों लोग आएंगे फ्रेंड्स। आप रेडी हो जाइए अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, माइंडसेट बड़ा करने के लिए, कॉलिंग हैबिट के लिए, इनविटेशन के लिए, और आज के टाइम पे भी कैसे बिजनेस किया जाए। मेरी टीम में ऐसे 500 लोग हैं जिनको मैंने 1 व्यक्ति को डेली ज्वाइन करने की और फोन करने की आदत मैंने डाल रखी है। शाम को रोज पूछता हूं, और मैं खुद भी करता हूं उस बात को,
और उसका रिजल्ट क्या है फ्रेंड्स, रोज 40-50 लोग मेरी टीम में रोज अलग ज्वाइन हो जाते हैं फ्रेंड्स, और अगले दिन ही हम उनको डुप्लीकेशन पे डालते हैं। हम उनको बताते हैं कि हम आपको रेगुलर ट्रेनिंग देंगे, जिस ट्रेनिंग की वजह से जैसे लॉकडाउन खुलेगा आपकी पार्ट टाइम इनकम 5,000 से 50,000 के बीच में जो भी आप सेल देंगे उसके हिसाब से आपकी इनकम हो जाएगी फ्रेंड्स। इसके बाद जैसे ही आप एक फिलोसफी के साथ होते हैं तो फिलोसफी आपको देती है मैनेजमेंट। मैंने जिस दिन से फिलोसफी को अपनाया कि 100 साल तक मैं जीऊंगा तो फ्रेंड्स मेरा डाइट के ऊपर पूरा कंट्रोल हो गया। मैं 3 टाइम खाता था खाना, मैंने 1 टाइम स्टार्ट किया, मॉर्निंग में मैं 2 एलोवेरा खाता हूं, 2 आंवला। फिर मैं हमारा कोर्स स्टार्ट होता है, कोर्स के बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज के बाद पीता हूँ मैं शेक, शेक के बाद में फिर एक्टिविटी, फिर दोपहर को खाता हूँ खाना, फिर वैसलिन टी और फिर शाम को वैसलिन शेक। मेरे पास ये चीजें पहले भी थी लेकिन पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि फिलोसफी थी कि 40-60-65 साल जिएंगे, क्या जो खाना खा लो। और जिस दिन से मैंने फिलोसफी तैयार की कि 100 साल जीऊंगा तो माइंड ने बताया बॉडी के लीवर फेफड़े को हर चीज को एक्टिव रखना है तो विशेष डाइट हमें लेनी होगी। यूट्यूब पे जाके मैंने चेक किया कि कौन से देश में लोग हैं जो सबसे ज्यादा जीते हैं, और जापान में पाया कि जापान के लोग जो हैं ज्यादा वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा जूस का इस्तेमाल करते हैं और ड्राई फ्रूट का, मेडिटेशन वो करते हैं, रेगुलर सप्लीमेंट के रेगुलर यूजर है वो लोग, और वही डाइट मैंने इस्तेमाल की और मैंने उतना ही बॉडी का केयर रखना स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स फिलोसफी आपको देती है मैनेजमेंट, आपके अंदर मैनेजमेंट आएगा, फोकस आएगा, आपके अंदर जिम्मेवारी की आदतें आएंगी और बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में पहुंचेंगे, बहुत सारी चीजें हमारे पास में फ्रेंड्स आएंगी। तो जीवन में जो लोग आज पहली बार मेरे को देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं उनको बोलना चाहूंगा आज डायरी पेन उठाइए और आपकी लाइफ की फिलोसफी क्या है उसको नोट कीजिए। आप अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे, उनको दर्द देके जाएंगे, एक चेंज माइंडसेट देके जाएंगे, या एक ऐसा माइंडसेट देके जाएंगे जो महात्मा गांधी ने हमें दिया, एक ऐसा माइंडसेट जो अब्दुल कलाम ने हमें दिया, एक ऐसा माइंडसेट जो शहीद भगत सिंह ने हमें दिया, एक ऐसा माइंडसेट जो हमारी कंपनी के MD मिस्टर गौतम बाली जी ने दिया, जो आज भी 25 से 30 दिन फील्ड में रहते हैं फ्रेंड्स। एक फिलोसफी है उनकी भी कि मैं वर्ल्ड पूरे विश्व में हेल्थ और वेलनेस को पहुंचाऊंगा। हमारे ग्रेट डायरेक्टर मिस्टर दीपक सूद कितने एनर्जी में रहते हैं और कितने एनर्जी में पूरी एंटायर वेस्टइंडीज फैमिली को रखते हैं फ्रेंड्स। तो आज से आपकी फिलोसफी क्या है फ्रेंड्स, अगर आपने फिलोसफी तय कर ली फ्रेंड्स, आपको किसी चीज के बारे में कोई कुछ बोलता रहे कभी आप फ्रेंड्स जीवन में नहीं हिलेंगे, ग्रोथ करेंगे रेगुलर, और आने वाले 5 साल सर, आने वाले 5 साल के बाद आपके घर में फ्रेंड्स ना पैसे की दिक्कत होगी, ना कोठियों की दिक्कत होगी, ना गाड़ियों की दिक्कत होगी, आप विदेशों में घूम रहे होंगे, हजारों लोग आपके सेमिनार को फ्रेंड्स देख रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर, हजारों लोग फ्रेंड्स आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे हजारों लोग इंस्पायर होंगे फ्रेंड्स, और आपकी मूर्ति लोग घर पे रखेंगे, आपके फोटो को घर पे टांगेंगे, लोग पूजा करेंगे, जैसे आज हम महात्मा गांधी, महर्षि दयानंद या बहुत सारे लोगों की मूर्तियां घर पे रखते, अब्दुल कलाम जी की मूर्ति हम रखते हैं फ्रेंड्स। आप किसी भी जाति और धर्म से हैं फिर भी हर घर में अब्दुल कलाम जी की फोटो क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी एक फिलोसफी थी, वो हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए भी वो काम करके गए जो हमने नहीं सोच रखा। ऐसे वैज्ञानिक क्रिएट कर दिए हमारे देश में जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे एंटायर पूरे देश को उनका फायदा होता रहेगा फ्रेंड्स। तो अंत में मैं एक ही बात आपको बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, जीवन में कामयाबी चाहिए तो एक फिलोसफी को अपनाइए, उनके ऊपर नियम तैयार कीजिए अपने, और नियमों को हमेशा अपनाइए फ्रेंड्स। अगर आपने ये काम किया आपकी फैमिली समाज हर चीज आपकी स्ट्रोंग हो जाएगी, फैमिली स्ट्रोंग हो जाएगी आपकी, और अगर सारे लोगों की फैमिली स्ट्रोंग हो जाएगी फ्रेंड्स तो हमारा देश स्ट्रोंग हो जाएगा,
हम विश्व शक्ति की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, बता दूं आपको, विश्व शक्ति की ओर हम जा रहे हैं फ्रेंड्स। आने वाला टाइम हेल्थ इंडस्ट्री का है। आज कितने लोगों के ऊपर कोरोना की वजह से होटलिंग फेल हो जाएंगे, होटलिंग ट्रांसपोर्ट का काम बहुत ज्यादा फेल हो जाएगा, एक्सपोर्ट का काम फेल हो जाएगा, एवरेज रहेगा फ्रेंड। कितने ब्यूटी पार्लर की दुकानें लोग अपना केयर करना चालू कर देंगे। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आज कितने लोग हॉस्पिटलों में जाते हैं मालूम है आपको? अगर हॉस्पिटल में 100 लोग जाते थे फ्रेंड्स, तो आज 2 लोग जा रहे हैं। कहां गए वो रोग जो उनको रोग रोज होते थे? सब रोग खत्म हो गए, सब रोग गए, क्योंकि ये खेल हमारे माइंड का ही होता है। तो अंत में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एक ग्रेट इंडस्ट्री के साथ हम हैं, ग्रेट मैनेजमेंट के साथ हम हैं, एक ग्रेट कंपनी के साथ हम हैं फ्रेंड्स। तो एक फिलोसफी के साथ काम करना स्टार्ट कीजिए। मेरी ढेर सारी विश आपके साथ हैं। जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं फ्रेंड्स, महसूस करके देखिए, जब आपने सेमिनार लेना चालू किया था उस टाइम पे आपके थॉट क्या थे और अभी आपके थॉट क्या हैं फ्रेंड्स। एक बार चैट बॉक्स में मैं आपका रिस्पॉन्स चाहूंगा। और फिर से मैं माइक हैंड ओवर करता हूं हमारे हरियाणा, राजस्थान और एंटायर देश के कुणाल जी को, जो हमारे ट्रेनर हैं, जिनसे हमने बहुत चीजें सीखी है। मैं विकास जी का, आशुतोष जी का, कुणाल जी का, हमारे मैनेजमेंट का और मेरे सभी गुरुजनों का, सभी अपलाइन का थैंक यू बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, जिससे आज हमारा जीवन इतना चेंज हुआ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आशुतोष यू कैरी ऑन। हाँ सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आप सर यहाँ पर देख रहे हैं, जो लोगों का रिस्पांस आया है आज लगभग सर, थैंक यू सो मच सुभाष सर, आज आपके इस ग्रेट स्टोरी की वजह से लगभग 950 लोगों ने आपको आज काफी अच्छे से सुना, उनका काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और थैंक यू सो मच। और एक ही चीज मैं बोलूंगा इस पूरे मीटिंग के बाद दोस्तों, आज इन लोगों को रात में नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि आज जिस हिसाब से आपने इनके माइंड को सेट किया है, जो आपने इनकी फिलॉसफी को चेंज किया है, जो आज ने आज जो आप आपने आपके जो जीवन शैली की तरह जो आपने इन लोगों को बताया, इनके करके आज इनके थॉट प्रोसेस में काफी चेंज आएगा। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच एवरी